बहुत सारे एक्टर मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम एक्टिंग तो सीखना चाहते हैं क्योंकि सीखने की इंपॉर्टेंस हम जान चुके हैं कि तैयारी बहुत जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, कंफ्यूजन ये आता है कि आखिर एक्टिंग हम सीखें कैसे? क्या हम थिएटर करें, क्या हम प्रैक्टिकल क्लास करें, या हम ऑनलाइन क्लासेस से सीखें, या ऑनलाइन वीडियो कोर्स से सीखें? हम किस तरह से सीखें ये समझ नहीं पाते। मैं जानता हूँ कि जब आप सीखने का मन बनाते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे सीखना है, तो जो जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उनसे कई बार कन्फ्यूजन आता है। जैसे कि आपको स्कूल कॉलेज के टाइम पे भी आता था कि किस कॉलेज में जाएं, कौन सा सब्जेक्ट लें, नहीं समझ में आता था। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपके लिए समझना और एक डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज मैं ये आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपके लिए थिएटर बेस्ट है या प्रैक्टिकल क्लासेस बेस्ट है या ऑनलाइन लाइव क्लासेस बेस्ट हैं या ऑनलाइन वीडियो कोर्स भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि सभी मीडियम डिफरेंट हैं, सभी मीडियम अच्छे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा मीडियम है। आप अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये जानना कि ये चीज़ें होती क्या हैं। सबसे पहले थिएटर को समझते हैं कि आखिर थिएटर होता क्या है। थिएटर का मतलब है स्टेज ड्रामास, जो नाटक आप देखते हैं बहुत जगह पे होते हैं। तो यहां पर नाटक की बात होती है थिएटर में। थिएटर में नाटक होते हैं जो कि प्रैक्टिस की जाती है बहुत दिनों तक, और उसके बाद पूरे के पूरे शो को वहां पर परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली देखें तो यहां पर एक्टिंग की ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा कुछ नहीं होता है। यहां पर चीजें होती हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर को चुनते हैं, उस पर्टिकुलर करेक्टर को लेकर ही रोज प्रैक्टिस करते हैं, फिर उस करेक्टर को ही आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। तो ये होता है थिएटर, नाटक, ड्रामा। प्रैक्टिकल क्लासेस में आप और आपके जो भी ट्रेनिंग मेंटर हैं वो आमने सामने हैं। मूड सेट ऑफ मूड एक्शन। कौन रहा है ये आदमी? का बतिया रहे थे तुम उससे? अरे चुप कर रहे हो? कौन रहा है? अब मान लीजिए 5-6 अलग अलग तरह के लोग हैं क्लासेस में, या 8-10 लोग हैं, क्योंकि मैं 8-10 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अपनी एकेडमी में ध्यान रखते हैं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट कभी भी ना हो। मतलब हर बैच में 15 से ज्यादा स्टूडेंट हम लेते ही नहीं, अलाउ नहीं करते। तो अगर आप क्लासेस में हैं तो क्लासेस में आप और आपके मेंटर आमने सामने हैं। अब मान लीजिए वो 12-15 जो आर्टिस्ट हैं, उन सबके अपने अपने कैलिबर होंगे, अपने अपने लेवल होंगे, उनके अपने अपने प्लस होंगे, अपने अपने माइनस होंगे, उन सबकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी और उसके हिसाब से वो टीचर, वो मेंटर उनको ट्रेनिंग देगा। तो वहां पर वो 1-to-1 का फर्क पड़ता है। और यहां पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें जो होती हैं वो उस तरह की होती हैं जो विजुअल मीडियम में चलती है, मतलब कि आप मोनोलॉग कैसे परफॉर्म करेंगे या सीन है तो सीन कैसे शूट होगा। यहां पर आपकी स्टेज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं होगी। हाँ, कई बार जो नवरस होते हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग जरूर बताते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें जो होती हैं वो कैमरा ओरिएंटेड होती है। तो यहां पर हो गई प्रैक्टिकल क्लासेस में इस तरह की ट्रेनिंग। अब आ जाते हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जो आप घर बैठे अपने शहर से कर सकते हैं। उसमें आपको प्रैक्टिकल क्लासेस जैसे मुंबई आने की जरूरत नहीं है, दूसरी बात है कि थिएटर ढूंढने की जरूरत नहीं है। उस क्लास में टीचर भी वही हैं, आप भी वही हैं, बस आप क्लासरूम में ना होके एक वर्चुअल क्लासरूम में, आप अपने घर पर हैं, टीचर यहाँ पर है। जैसे मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूँ और आप गोरखपुर में हैं, नेपाल में हैं, किसी भी शहर में हैं। अभी तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो हुई हैं उसमें कई लोगों ने दुबई से ज्वाइन किया, कई लोगों ने बैंकॉक से ज्वाइन किया, बहुत अलग अलग देशों से लोगों ने ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन किया। तो वहाँ पर हम दोनों एक स्क्रीन के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ एक्सपीरियंस जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेस जैसा ही, सेम एक्सपीरियंस है, सेम मॉड्यूल है, सेम ट्रेनिंग मॉड्यूल है, और 1-to-1 कनेक्शन भी है, दिख भी रहा है कि आपको इंडिविजुअली कहाँ पे ग्रो करना है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। और इसमें भी बहुत सफलता मिली है ज्वाइंट फर्म्स को, आज सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं और बहुत सारे एक्टर तो काम भी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ मीडियम, जो कि है वीडियो कोर्सेज वाला। जब तक ब्रीदिंग सिस्टम, सांस लेने का तरीका सही नहीं होगा, आपकी आवाज की क्वालिटी में चेंजेस आना असंभव है। ऑनलाइन एक्टिंग वीडियो कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर, आप जब चाहें एक्सरसाइज को रिपीट करके देख सकते हैं। वीडियो कोर्स में क्या है, वीडियो कोर्स में वीडियो में एक्सरसाइजेज रिकॉर्डेड है, लेक्चर रिकॉर्डेड है, प्रैक्टिस मॉड्यूल रिकॉर्डेड है, आप उसको अपने मोबाइल पर देखते हैं, देख के प्रैक्टिस करते हैं।
तो यहाँ पर डाउट ये होता है कि ऐसे करेंगे तो क्या हमें पता कैसे चलेगा कि हम इम्प्रूव करें। पहली बात तो ये है कि जो वीडियो कोर्स अवेलेबल है जॉइंट फिल्म्स का, उसको करने में सभी एक्टर को 1.5 से 3 महीना लगता है, क्योंकि हम ये बताते हैं कि आपको आराम से करना है। सारी एक्सरसाइज उसमें दी गई हैं, बहुत प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं। उसमें ऐसा नहीं बताया गया कि आपके अंदर ये होना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कोरे ज्ञान वाली बात नहीं, उसमें एक्सरसाइज बताई गई हैं कि आपको कैसे करना है और घर पे कैसे करना है, उसको पूरा अच्छे से समझाया गया। ये जो आप देख रहे हैं मेरे चेहरे के सामने ये फ्रेम है, तो इसका मतलब ये है कि कैमरा एक्टिंग या टीवी एक्टिंग बेसिकली फ्रेम के अंदर अभिनय करने की क्षमता है। तो आपने उसको समझा और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे फीडबैक की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, वीडियो कोर्स में टीम को भेज देते हैं अपनी परफॉर्मेंस, और वहां से आपको मेंटर्स का फीडबैक आ जाता है। तो इस मॉड्यूल में भी सीख सकते हैं। अब मैं डिटेल में चारों को बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ओके, दूसरी जो बात है हमें समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो थिएटर है ये कहाँ है, ये जो प्रैक्टिकल क्लासेस है ये कहाँ है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये कहाँ है, ये जो वीडियो कोर्स है ये कहाँ है, हम कहाँ पे जाकर इसको ज्वाइन करेंगे। थिएटर बहुत सारे शहरों में अवेलेबल है, बहुत सारे शहरों में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे कस्बों में अवेलेबल है, बहुत सारे कस्बों में अवेलेबल नहीं है। थिएटर सब जगह सब शहरों में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम शहरों में अवेलेबल है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके शहर में नहीं है तो आसपास कहाँ पर है। इसका पता करने के लिए आजकल तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, बार बार देखते जाएं कि अपकमिंग ड्रामा नियर बाय, या इस तरह से सर्च करके देखेंगे। या मान लीजिए जैसे मैं भोपाल शहर में हूँ, भोपाल में थिएटर बहुत अच्छा होता है, दिल्ली में बहुत अच्छा होता है, मुंबई में बहुत अच्छा है, कलकत्ता में बहुत अच्छा है, लखनऊ, इलाहाबाद, इधर सब जगह पे होता है, लेकिन हर शहर में नहीं होता, जयपुर में भी बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने आसपास के बड़े सिटी में पता करिए कि वहाँ पर थिएटर ग्रुप कौन कौन से हैं। आजकल फेसबुक पेजेस भी ज़्यादातर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। प्रैक्टिकल क्लास अगर आपको करनी है तो मैं बिल्कुल ये फर्म बिलीव के साथ आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ 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 जब भी सीखें मुंबई आके सीखें। रीज़न क्या है, मैं इसमें दूसरे शहरों को इसलिए नहीं ला रहा हूँ, वजह बता रहा हूँ बहुत क्लियरली, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। जब आप मुंबई आते हैं तो मुंबई के तौर तरीकों से आप एक्टिंग सीख पाते हैं। दूसरा, एक्टिंग सीखते सीखते आप ऑडिशन देने जा सकते हैं, तो क्लासेस भी चल रही हैं, आप ऑडिशन भी दे रहे हैं, तो आपको ऑडिशन के वेन्यू भी पता चल रहे हैं, आपको आबोहवा भी समझ में आ रही है, पूरा एनवायरनमेंट इंडस्ट्री का कैसे काम करता है वो भी समझ में आ रहा है, और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको इस शहर में रहने की आदत पड़ जाती है। नहीं तो क्या होगा, आप अपने शहर से अगर दूसरी क्लासेस सीख के आए और यहाँ पर आके आपने कोशिश शुरू की तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको यहाँ पर जब रहेंगे ऑडिशन ज़रूर देते रहना चाहिए। ये पता कर लीजिए कि उस प्रैक्टिकल क्लास में आपको ऑडिशन पर जाने दिया जाता है या नहीं। जॉइंट फिल्म्स अकेडमी ने शुरू से रखा है कि कोर्स के दौरान ही हम स्टूडेंट्स को रोकते नहीं और हम बोलते हैं आप जाके ऑडिशन दीजिए, क्योंकि हमारा ये बिलीव है कि जो ऑडिशन में जाके नर्वसनेस होती है वो मैं क्लासरूम में आपको नहीं सिखा सकता कि कैसे उसे ओवरकम करना है, लेकिन जब स्टूडेंट्स वहाँ से वापस आते हैं हम उस पर काम करते हैं मिलके। इसलिए जॉइंट फिल्म्स अकेडमी के स्टूडेंट्स क्लास खत्म होने के साथ साथ ही काम करने लग जाते हैं। तो ये फर्क हो गया प्रैक्टिकल क्लासेस का कि अगर सीखना है तो मुंबई में आके सीखेंगे तो बेटर है, ताकि आप एनवायरनमेंट को समझ सकें, ताकि आप ऑडिशन देना शुरू कर सकें। हो सकता है कि आपको कोर्स के दौरान ही काम मिल जाए, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है। तो अगर क्लासेस करनी है तो मुंबई में करिएगा। अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप सवाल करें तो ये जरा सा बचकाना हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है, लाइव क्लासेस का मतलब है कि आप कहीं से भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपने घर पर हैं, आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप है, आपके पास अच्छा नेट है और डेटा है आपके पास, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना तो अपने शहर के किसी थिएटर में जाने की ज़रूरत है ताकि आपको रिलोकेट होना पड़े, या मुंबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर रहकर ही उतना सारे पैसे बचा सकते हैं जो मुंबई आने जाने रहने खाने पर होंगे, आप वहीं से कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें आपका नुकसान नहीं है, घर की सहूलियत के साथ आप अपने घर पर एक्टिंग सीख सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो कोर्स के लिए आपको कहाँ जाना। अगेन, वीडियो कोर्स के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है। ऑनलाइन वीडियो कोर्स एक बार आपने ऐप के थ्रू डाउनलोड कर लिया, उसके बाद वो मोबाइल में आपके पास हमेशा अवेलेबल है। आप जॉब करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, सुबह शाम जब आपको समय मिलता है तब उसके एक्सरसाइज को देखिए और अपने पैशन को पूरे करने में जुट जाइए। तो उसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में हमेशा आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे।
तीसरा पॉइंट जो हमें समझना चाहिए कि जो एक्टिंग की टेक्निक है वो इन चारों मीडियम में कैसी होती है। सबसे पहले बात करते हैं थिएटर की। थिएटर में जो एक्टिंग की टेक्निक है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर जो मेन टूल होता है वो होता है आपका बॉडी एंड वॉइस। कैमरा एक्टिंग में जो टूल होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसको मैं उस पार्ट में बताऊंगा। थिएटर एक्टिंग में आप जब एक्टिंग करते हैं तो भले आप रिहर्सल कर रहे हो, भले आप ड्रामा प्ले कर रहे हो, हमेशा आपके साथ को एक्टर होंगे आपको रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए, आपको जवाब देने के लिए, आपके रिएक्शंस के लिए। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप किसी के साथ एक्ट करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको ज़रूरत पड़ती है इमोशंस के, एक्शन रिएक्शन की। तो थिएटर में वो हमेशा अवेलेबल होता है, रिहर्सल में भी होता है, मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं और जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तब भी होता है। दूसरी बात, आपके मीडियम में जो याद करने की प्रक्रिया जो सबसे ज़्यादा एक्टरों को तंग करती है कि डायलॉग याद नहीं होते, वहाँ पर आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है अपने करेक्टर पे काम करने के लिए, अपने डायलॉग्स पे काम करने के लिए। वो सारा आपको बहुत अच्छा समय मिलता है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगेन उस करेक्टर की। ठीक है, अब आते हैं कैमरा एक्टिंग में। प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग अगर आप सीखते हैं तो वहाँ पर आपको सीखना पड़ता है कि मैं डायलॉग को 10-15 मिनट में कैसे याद कर लूँ, मैं वो पूरे करेक्टर को जल्दी से कैसे समझ लूँ और उसको जल्दी से परफॉर्म कैसे कर दूँ, क्योंकि विजुअल मीडियम में काम बहुत फास्ट होता है। जहाँ पर आपको फौरन कई बार एक ही डायलॉग का आखिरी वाला पार्ट आपको पहले बोलना होगा और पहला वाला पार्ट आपको आखिर में बोलना होगा, तो यहाँ पर आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको एक करेक्टर में जल्दी से जाना होता है, दूसरी बार दूसरे करेक्टर में जाना होता है या उसका ग्राफ चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शूटिंग होती है वो होती है लोकेशन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑफिस का सेटअप है, तो ऑफिस के अंदर एज एन एक्टर मेरे जितने भी सीन होंगे, चाहे वो मेरे दुख के होंगे, गुस्से के होंगे, जितने भी मान लीजिए 5 इमोशनल सीन है मेरे इस ऑफिस में, तो वो एक ही दिन में शूट होंगे, तो मुझे 5 इमोशन में स्विच ऑफ जाना है। उसकी तैयारी जरूरी होती है कैमरा एक्टिंग में। ये फर्क है कैमरा एक्टिंग की टेक्निक का। कैमरा एक्टिंग में आपको लाइट का ध्यान रखना होता है, कैमरा एक्टिंग में आपको फोकस का ध्यान रखना होता है, कैमरा एक्टिंग में आपको लुक का ध्यान रखना होता है, कैमरा एक्टिंग में आपको अपने मार्क का बहुत सटीक ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत जरूरी है। मार्किंग थिएटर में भी होती है, लेकिन थिएटर में कैसा होता है कि आप थोड़ा बहुत भी लेफ्ट राइट हो गए इतना फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर आप किससे डील कर रहे हैं, कैमरे से। जरा सा भी इधर से उधर शिफ्ट हुए या तो फ्रेम से आउट हो गए, या तो आपका फोकस चला गया, या तो लाइट मिस हो गई, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इसलिए ये मीडियम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो समझना जरूरी। अब आ जाए ऑनलाइन क्लास में। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको कैमरा टेक्निक ही सिखाई जाती है, वही बताई जाती है। बस फर्क ये होता है कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस में आप कैमरा फेस करके कर रहे हैं वो जो चीज़ें वो आपने मोबाइल के थ्रू ही आप कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डर आता है, कन्फ्यूजन आता है कि यार वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपको आखिर में बात करूँगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये एक फ़र्क आ जाता है कि हाँ परफॉर्म तो कर रहे हैं, आपको डायलॉग तो जल्दी याद हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बस हाँ आप कैमरे के सामने परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अपने मोबाइल के सामने परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं ऑनलाइन वीडियो कोर्स की तरफ। ऑनलाइन एक्टिंग वीडियो कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप किसी भी समय कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर। आप जब चाहें एक्सरसाइज को रिपीट करके देख सकते हैं। अभी तक जितने लोगों ने भी लिया उसका फीडबैक ये आया है कि उनको 1.5 महीने से लेकर 3 महीना लगा है करीब करीब प्रैक्टिस करने में, अच्छे से एक्टिंग को सीखने में। ऑनलाइन वीडियो कोर्स में आपको स्वतः स्वयं अपने वीडियो को अपना टीचर बना के उसको प्ले करना है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर आपको उसके साथ सीखना है, टाइम देना है। तो यहाँ पर आपका टीचर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपका डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है जैसे थिएटर में है कि आपको कमांड दे सके, आपको बता सके। यहाँ पर आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। चौथा क्वेश्चन भी ऐसा है जो बहुत परेशान करता है कि हमें कितने टाइम तक सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है सभी नए एक्टर्स में कि अगर हम सीखना चाहते हैं तो हम कितने टाइम तक सीखें, तो इसको भी डिवाइड कर देते हैं। देखिए, अगर आप थिएटर में सीख रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा, थिएटर कम से कम 5 साल से ज़्यादा करिए। आपने सुना होगा बहुत सारे सीनियर एक्टर्स भी कहते हैं कि कम से कम 6-7 साल 8 साल थिएटर करो। रीज़न है, जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर लर्निंग मॉड्यूल कैसा है कि आप एक बार में एक नाटक में एक करेक्टर प्ले करते हैं, तो एक नाटक को तैयार करने में, परफॉर्म करने में 3-4 महीने चले जाते हैं टोटल ओवरऑल मानूँ मैं अगर। तो ऐसे आप साल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 नाटक कर पाएंगे अगर बहुत सिंसियर हैं तो भी। तो इस तरह से 5 साल में आप 10 नाटक और 10 करेक्टर प्ले कर पाएंगे, तब एक्चुअली आप थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि हाँ ये अलग तरह का करेक्टर है, अब मैं अलग तरह से प्ले करूँ। नहीं तो अदरवाइज़ होता ये कि जो पहले नाटक में आपने करेक्टर प्ले किया,
आप जब दूसरे नाटक में जाते हैं और रिहर्सल करते हैं तो पहले कैरेक्टर ही आपके ऊपर हावी इतना होता है क्योंकि 1.5-2 महीने आपने उसको बिल्कुल प्रैक्टिस किया, साध लिया, तो वो असर बाकी रह जाता है। लेकिन जब आप 5-6 साल करते हैं थिएटर तो धीरे धीरे वो धुलने लग जाता है। जैसे मैंने भी बहुत साल तक थिएटर किया तो मैं समझ सकता हूँ, शुरुआत में उतनी पकड़ नहीं थी करेक्टर को लेकर, पकड़ने की और छोड़ने की, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो आती चली गई। तो आपको कम से कम थिएटर अगर करना है, मैं बोलूँगा 4-5 साल तो एटलीस्ट उसमें टाइम आप दीजिए। अब आ जाते हैं कि अगर आपको कैमरा एक्टिंग सीखनी है तो कैमरा एक्टिंग सीखनी है तो वैसे तो सीखने के लिए जितना समय, पूरी ज़िंदगी कम है, लेकिन फिर भी अगर एक टाइमिंग को लेकर हम चलें तो कम से कम आपके पास 3 महीने का समय होना चाहिए। क्योंकि मैंने भी एकेडमी में क्लासेस के दौरान जब शुरू किया था तो 2 महीने की क्लास रखी थी, लेकिन खुद रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो टाइम कम है, तो हमने उसको बढ़ा के 3 महीने कर दिया। तो 3 महीने कम से कम होना चाहिए। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो 5-6 महीने का भी कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में खुद को तराशेंगे उतना ही चीज़ें निकल के आएंगी। तो यहाँ पर ये फ़र्क है कि कम से कम आपको 3-6 महीने का टाइम लेके चलना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल क्लासेस कर रहे हैं तो। और ये भी ध्यान रखें कि बैच साइज बहुत बड़ा ना हो तो आपके लिए बेटर होगा। अब आ जाते हैं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में भी मैं रिकमेंड हमेशा करूंगा कि 3 महीने का टाइम तो मिनिमम लेके चले, क्योंकि 3 महीने ऐसा समय होता है जब हम किसी आदत में आ जाते हैं। आपने सुना होगा 90 दिन में कोई आदत पड़ती है, तो 3 महीने में क्या होता है, जब आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और आपको जो आपके ट्रेनिंग मेंटर हैं वो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आदतन आप एक्टर बनना शुरू कर देते हैं। आदतन एक्टर वर्ड मेरे को बड़ा पसंद है, मैं अपनी सारी क्लासेस में यूज़ करता हूँ कि मैं आपको आदतन एक्टर बना दूंगा, मतलब उसकी इतनी हैबिट डाल दूंगा कि एक्टिंग बस हो जाएगा करेगी। ऑनलाइन वीडियो कोर्स मैं अगर ज्वाइन फिल्म्स की बात करूं तो वो आपके पास अवेलेबल होता है 1 साल के लिए, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है, सारे स्टूडेंट से बात की है क्योंकि रेगुलर मैं फीडबैक देता रहता हूं उनको और सपोर्ट टीम भी उनकी हेल्प करती रहती है, तो अप्रॉक्सीमेटली लोगों को 2-3 महीना लगता है बिल्कुल सही प्रैक्टिस में आने के बाद। और उसमें भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज वो 3 महीने की प्रैक्टिस की और 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो आज बड़े बड़े सीरियल्स में काम करें। तो 3 महीना तो मिनिमम आपको देना ही चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि इतने बड़े प्रोफेशन के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो तैयारी 3 महीने की या 6 महीने की तो होनी ही चाहिए। सबसे लास्ट है 5वां पॉइंट की ट्रेनिंग मॉड्यूल। वैसे मैंने जब एक्टिंग टेक्निक की बात की थी तब भी उसमें से काफी कुछ आपको डिटेल में बता दिया था, लेकिन ट्रेनिंग मॉड्यूल अगेन थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि वही है कि थिएटर जब आप करेंगे तो आप एक करेक्टर के लिए तैयार होंगे, वो बहुत होता है कि उसमें करेक्टर को पूरी तरह से सवार दिया जाता है क्योंकि उसको ही फाइनली वहां पर प्रेजेंट किया जाता है। तो वहां पर ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसा कुछ भी नहीं होता, वहां पर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है कि आप उस करेक्टर को परफॉर्म कैसे करेंगे, और वो भी सब कुछ होगा स्टेज के हिसाब से। स्टेज के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि स्टेज पे आपको यहाँ खड़े होना है, आपको स्टेज में उस टाइम पे यहाँ से लाइटिंग लेनी है, यहाँ पे दूसरा करेक्टर खड़ा होगा, ये सब बताया जाता है। तो वहाँ का जो डिफरेंस है वो ये है कि आप किसी भी कैमरे के सामने नहीं हैं, आप हैं, आपके अदर को एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं, और उसके बाद ऑडियंस है जो बाद में आपको शो में देखने को मिलेगी। और शो में भी होता ये है कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर आपकी ऑडियंस से निगाहें नहीं मिल पाती, बिकॉज वो होते हैं डार्क साइड में, आपके फेस पर लाइट पड़ रही होती है तो ज़्यादातर आप उनको देख नहीं पाते हैं। वैसे कई बार ये लगता है कि इतनी सारी ऑडियंस है, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट तभी होते हैं जब किसी से हमारी आंखें टकराती हैं, और उस टाइम पे आपकी आंखें नहीं टकराती तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। इसी वजह से कई मेरे थिएटर के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर भी हैं, कई बार जैसी लाइटिंग आती है या कोई कैमरामैन खड़ा होता है, ऑडिशन होता है, तो घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी इतने सामने से किसी के लिए एक्टिंग नहीं की थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 4-5 साल समय दें थिएटर में, तब जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है। जो मैं ऑन लोकेशन वीडियो बनाता हूँ उनको जरूर देखिए ताकि कैमरे के बारे में आपको जानकारी मिल सके। ट्रेनिंग मॉड्यूल इसमें क्या है, कैमरा एक्टिंग इसमें है टोटली जो विजुअल मीडियम में होता है, जो वेब सीरीज में होता है, फिल्म में होता है, फिल्मों में होता है, वही तरीका है यहाँ पर। मतलब कैमरा वहाँ भी है, कैमरा यहाँ भी है, बस फर्क ये है कि वो ऑडिशन वेन्यू होगा या आपका शूटिंग लोकेशन होगा, और यहाँ पर आप सीख रहे हैं क्लासरूम के अंदर। हालांकि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में जो मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया है उसमें तो ये शामिल है कि आपको प्रोफेशनली शॉर्ट फिल्म में भी काम करने का मौका मिलेगा ताकि आप फ्लोर पे सीख पाएं, वीडियो सॉन्ग्स में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए मैं अगेन आपके सामने इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जॉइंट फिल्म्स म्यूजिक और जॉइंट फिल्म्स ओरिजिनल। इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन नए कलाकारों का उत्साह आप बढ़ा सकें। अब आ जाते हैं लाइव क्लासेस के मॉड्यूल में।
लाइव क्लासेस का मॉड्यूल भी ट्रेनिंग मॉड्यूल तो सेम है, बस फर्क बस इतना पड़ जाता है कि हम लोग फिजिकली आमने सामने नहीं हैं, हम मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू एक दूसरे को देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल भी सेम रहती हैं। अब आ जाए ऑनलाइन वीडियो कोर्स। तो ऑनलाइन वीडियो कोर्स में मेंटर सामने नहीं है, ट्रेनिंग मॉड्यूल इज सेम, ट्रेनिंग मॉड्यूल बिल्कुल सेम है, चीजें सब कुछ वैसी हैं, बस आपको वहां पर खुद से सीखनी है। तो ये 5 तरीके से मैंने आपको समझाने की बताने की कोशिश की है, अब इसमें से चुनना आपको है। अब चुनने के लिए हमने डिफरेंस समझ लिया, अब आते हैं कि डिसीजन कैसे लेंगे। देखिए, डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आज मेरी स्थिति क्या है। क्या मैं जिस शहर में जिस जगह पर रहता हूं वहां पर थिएटर है, नहीं है, क्रॉस। क्या मैं आसपास किसी थिएटर ग्रुप में जा सकता हूं, हाँ जा सकता हूं, वेरी गुड, जाओ पता करो, एक दो नाटक देखो, जो ग्रुप अच्छा लगे उसको ज्वाइन कर लो, एक्शन हो गया, काम खत्म हो गया, और फिर 5 साल लग के थिएटर करो। अब आपको लगता है नहीं मुझे थिएटर नहीं करना है, मुझे तो कैमरा एक्टिंग सीखनी, क्योंकि एट लास्ट तो मुझे कैमरा एक्टिंग ही करनी है, विजुअल मीडियम में ही काम करना है, तो मैं कैमरा एक्टिंग सीखूंगा। ये आपने डिसीजन ले लिया, अब एकदम डिसीजन क्लियर है। अब ये है कि कैसे सीखूं, तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं 5-6 महीने का कोर्स? आप बोल तो यस मैं कर सकता हूं, ओके कोई बात नहीं, 5-6 महीने का कोर्स कर सकते हैं। क्या आप मुंबई जाके रह सकते हैं? हाँ मैं रह सकता हूँ, ओके टिक कर दीजिए, रह सकता हूँ। या सेम विद्या, क्या मैं 3 महीने का कोर्स अफोर्ड कर सकता हूँ? यस कर सकता हूँ। क्या मैं मुंबई जाके उसका खर्चा उठा सकता हूँ रहने खाने का? हाँ मैं कर सकता हूँ, ओके हो गया, डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आया कि भाई अब कैसे चुने। उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको समझते हुए उस इंस्टीट्यूट की एकेडमी की गूगल रेटिंग देखिए, पुराने स्टूडेंट से बात कीजिए, इन सब चीज़ों को देख के जिस भी मेंटर के साथ आपको लगे कि नहीं यार इसके साथ मैं कंफर्टेबल जोन आ रहा, ये जो समझाते नहीं मेरी समझ में आता है, बस उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपका डिसीजन हो गया, दैट्स इट। इतना ही करना है आपको, जो सवाल मैंने बताए खुद से पूछिए, कॉपी में लिखिए, डिसीजन अभी नहीं करके आ जाएगा। अब आपने सोचा कि हाँ मुझे मुंबई जाना है, ओके, क्या मैं फीस अफोर्ड कर सकता हूँ? नहीं, फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। अब यहां से शुरुआत होती है कन्फ्यूजन। जैसे ही आपका आंसर है मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, ज्यादातर एक्टर परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब मैं एक्टिंग नहीं सीख सकता। नहीं, आप ये सोचिए कि मुझे एक्शन लेना है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकता हूं? हाँ ज्वाइन कर सकता हूं, 3 महीने दे सकता हूं, स्टडी के साथ दे सकता हूं, क्योंकि मुश्किल नहीं है 1 घंटे की क्लास करना। मैं पढ़ाई के साथ कर सकता हूं, जॉब के साथ कर सकता हूं, चलते हुए बिजनेस के साथ कर सकता हूं, अपने घर पर रहते हुए कर सकता हूं, मेरे पास पैसे बच जाएंगे जो बाद में मेरे काम आएंगे, और आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्या बोला, हाँ यार मैं कर सकता हूं, चलो लाइव करता हूं। अब लाइव क्लासेस में मैं टीचर के सामने रहूंगा, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हो गया डिसीजन क्लियर एकदम, तो एक्शन ले लिया। अब आता है कि नहीं यार मैं ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 3 महीने की, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, तो क्या मैं एक्टर नहीं बन सकता? नहीं, आप लोग एक्टर इसलिए नहीं बन पाते या सोचते इसलिए रह जाते हैं कि सोचते तो हैं कि मुझे प्रैक्टिकल क्लास करनी है, लाइव क्लास करनी है, लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी अरेंजमेंट नहीं है, तो हम लोग डिसीजन नहीं लेते। आपको डिसीजन लेना कि हाँ ठीक है मेरे लिए अभी वीडियो कोर्स बढ़िया है। वीडियो कोर्स करके ही सोनिया प्रिया, मैं आपको थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, इन्होंने सिर्फ ये कोर्स करके और ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप करने के बाद ही आज बड़े बड़े सीरियल में काम कर लिया। मेरे पास ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने डिसीजन लिया और वो आज काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। लाइव क्लासेस से एक बच्ची निकल के आई और आज वो बहुत बड़ी फिल्म कर रही है अक्षय कुमार के साथ, यज्ञेश 65 ईयर्स ओल्ड है, आज वो काम कर रहे हैं वेब सीरीज में। तो काम करने वाले अगर एक्शन ले लेते हैं तो मौके तो यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल है। आजकल तो हर शहर में शूटिंग हो रही है तो वो दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जो आज आपको फायदा हुआ है वो हुआ है ऑनलाइन ऑडिशंस का। आज आप अपने घर से ऑडिशन दे सकते हैं, उसके लिए मुंबई आने की कोई जरूरत नहीं। आजकल जितने बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो हर शहर में जाके वहाँ से अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर आप तैयार होंगे और आपका उनको ऑडिशन पसंद आ गया तो क्या फर्क पड़ता है मुंबई में रह रहे हैं या इलाहाबाद में रह रहे हैं या भोपाल में रह रहे हैं या कलकत्ता में रह रहे हैं या पटना में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आप अगर पसंद आ गए तो आपका काम बन गया। तो मुझे लगता है कि जो मैंने टोटल चीज़ें बताई इसमें एक ही चीज़ आपको करना है, जो लास्ट में मैंने बताया, आपको एक्शन लेना है। जो भी आप अभी कर सकते हैं वही सबसे बेस्ट प्लान है, जो आप अभी एक्शन ले सकते हैं वही प्लान आपके फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो जरा टटोल के देखिए कितने दिन हो गए सोचते सोचते, कितने महीने गुजर गए, कितने साल गुजर गए, तो क्या आज भी टालते जाएंगे अपने डिसीजन को? डिसीजन टालना भी एक डिसीजन है कि मैं सक्सेस की तरफ अभी चलना शुरू नहीं करूंगा, आपको तय करना है। डिसीजन लेने के बाद दो ही चीजें होंगी, या तो आपको एक्टिंग आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। नहीं आएगी
तो फिर कमी ये पता चलेगी कि भाई या तो मैंने गलत डिसीजन लिया था, मीडियम गलत चुना था, या मैंने जो ट्रेनिंग जहाँ से लेनी थी वो गलत चुना था। तो आपको समझना है, इसलिए आखिर में पछताने से बेहतर है कि पहले ही बहुत अच्छे से मालूमात हासिल करें, पता करें, उसके बाद ही उस मीडियम को ज्वाइन करें, उस तरीके को ज्वाइन करें जो आपके लिए बेस्ट है। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो ज्वाइन फर्म्स की सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल है। आप कभी भी ऑफिस टाइमिंग में कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि कोई भी कभी भी कहीं से भी फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सके, मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता हूँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या समझ में आया, क्या वाकई आपके डाउट दूर हुए मुझे जरूर बताइएगा। क्या इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे आइडियाज़ दे दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिले। यहाँ इस ओपन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आपके पास तकरीबन 2000 वीडियो हैं देखने के लिए। हर वीडियो से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आपके अंदर एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक उत्साह बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉलेज से उत्साह बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।